जय हिंद, वेलकम टू टुडे एग्जाम क्लासेज। दोस्तों, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने रीट भर्ती परीक्षा के लिए आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS वर्ग के शेष रहे अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है वो सोमवार से शुरू कर दी थी। लेकिन दोस्तों, बोर्ड ने EWS अभ्यर्थियों को केवल आयु सीमा में ही छूट का फायदा दे रहे हैं, जबकि शुल्क में कोई भी रियायत नहीं दी जा रही है। इसके पीछे RBSE यानी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का तर्क है कि सभी वर्गों के लिए रीट भर्ती परीक्षा का शुल्क है वो समान रखा गया है। वहीं दूसरी ओर राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक आचार्य और SI भर्ती के EWS अभ्यर्थियों की आयु सीमा के साथ ही शुल्क में भी रियायत देकर आवेदन भराया जा रहे हैं, लेकिन रीट भर्ती परीक्षा के लिए कोई शुल्क में रियायत नहीं दी जा रही हैं, सिर्फ आयु सीमा में ही छूट दी जा रही हैं। जबकि बोर्ड द्वारा विज्ञप्ति में सचिव अरविंद सेजवा ने जानकारी दी है कि रीट के लिए आवेदन करने के समय अध्यापक तृतीय श्रेणी यानी लेवल 1 व लेवल 2 के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से अधिक आयु हो जाने के कारण आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS वर्ग के आवेदन न करने वाले अभ्यर्थियों को 5 जुलाई 2021 तक पूर्व निर्धारित शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन करने का पुनः अवसर दिया जा रहा है। अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क 4 जुलाई तक जमा करा सकेंगे और 5 जुलाई तक फॉर्म भरा जा सकेगा। जबकि दोस्तों, शुल्क की बात करें तो दोस्तों, बोर्ड ने साफ कर दिया कि पूर्व की भांति EWS वर्ग अभ्यर्थियों को इस बार भी लेवल 1 या लेवल 2 में किसी एक के लिए आवेदन करने पर 550 यानी ₹550 और लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए आवेदन करने के लिए ₹750 शुल्क देना होगा। बोर्ड के अधिकारी सूत्रों का कहना है कि बोर्ड ने रीट आवेदन शुल्क सभी के लिए समान रखा है, इसके लिए किसी वर्ग को शुल्क से अलग से कोई रियायत नहीं दी गई है। तो दोस्तों, अगर आप भी रीट भर्ती परीक्षा में EWS के फॉर्म भरना चाहते हैं या फिर भरना की सोच रहे हैं तो आपको ₹750 की फीस देनी होगी, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ आयु में ही फायदा मिल रहा है, जबकि फीस में कोई रियायत नहीं दी जा रही है। तो आप ही अगर रीट की तैयारी कर रहे हैं तो या तो आवेदन कर रहे लेवल 2 में आवेदन कर रहे हैं तो ₹550 और लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में कर रहे हैं तो ₹750 का शुल्क रीट भर्ती परीक्षा यानी EWS वर्ग के लिए देना होगा।